नमस्कार, मैं हूं नवरात्रि ऐश्वर्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को ग्रैंड एशियन न्यूज की तरफ से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दर्शकों, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहें। चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं राशिफल की ओर। दर्शकों ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशिफल 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, इस सप्ताह सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपको विशेष पद व सम्मान से नवाजा जा सकता है। पारिवारिक तौर से आपका बड़ा निर्णय सभी को पसंद आएगा। पत्नी और बच्चों के लिए इस सप्ताह निवेश करने का मन बन सकता है व उनके भविष्य के लिए आप कोई बड़ी निधि जमा कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य का योग बनता दिख रहा है, साथ ही परिवार में किसी विवाह संबंध के बारे में चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहे। आपके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत पीपल के वृक्ष में काले तिल और जल अर्पित करके करें। वृषभ राशि, इस सप्ताह आपके लिए शुभ है। सामाजिक स्थिति में कोई सम्मान प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक कार्य मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। रोग दूर होंगे किंतु मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी अनुभव कर सकते हैं। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। जीवन साथी से तालमेल अच्छा रहेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। विवाह के योग बन रहे हैं। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके करें। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि, इस सप्ताह परिवार के साथ पर्यटन का मौका आएगा। आर्थिक लाभ की योजना बन रही है। संपत्ति में निवेश करेंगे। अविवाहितों के विवाह की बात पक्की हो सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पारिवारिक खर्च में कमी आएगी। नौकरी पेशा को उन्नति के अवसर आएंगे। व्यापारियों को लाभ होगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तम सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक 5 और शुभ रंग नीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि, इस सप्ताह आपका मन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। धन संपत्ति सुख सुविधा प्राप्त होगी। सोचे कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। मित्रों के साथ तालमेल बना रहेगा और किसी यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में चल रहे मनमुटाव अब दूर हो जाएंगे। आजीविका के नए साधन प्राप्त होंगे। शेयर संपत्ति आदि में निवेश से लाभ कमाएंगे। धार्मिक आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा। धार्मिक समागम में शामिल होंगे। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग भूरा रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाकर करें। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि, आपके लिए सप्ताह शुभ रहेगा। नए काम शुरू करने के लिए सही समय आ गया है। आर्थिक लाभ के अनेक अवसर आते चले जाएंगे। भाई बहनों के साथ तालमेल बना रहेगा। इस सप्ताह लोग आपसे प्रभावित रहेंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे। अविवाहितों के विवाह की बात बन सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नौकरी में बदलाव का वक्त है। नए काम मिलने वाले हैं। नए व्यापार भी प्रारंभ करेंगे। धन लाभ होगा। आपके लिए शुभ अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत गरीबों की किसी भी प्रकार से सहायता करके करें। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि, इस सप्ताह पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा। धन आने के नए साधन प्राप्त होंगे। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। जीवन साथी से मधुर संबंध बनेंगे। जिनके जीवन में अब तक प्रेम का पदार्पण नहीं हुआ है उन्हें प्रस्ताव मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के कार्य में वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग का काम ठीक से चलेगा। संपत्ति खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं। अविवाहितों के विवाह की बात पक्की हो सकती है। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग थाई रहेगा। सप्ताह की शुरुआत पेड़ पौधों में जल डालकर करें। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। मित्रों से चल रहा मन मुटाव अब दूर हो जाएगा। किसी विशेष कार्य के पूरा हो जाने से मन में उत्साह बना रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रोगों पर हो रहे खर्चों में कमी आएगी।
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी से थोड़ी खटपट हो सकती है, आर्थिक लाभ होगा। पुराने निवेश लाभ देंगे, नए संबंधी वाहन खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपके लिए शुभ अंक 4 और शुभ रंग संतरी रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत शिवलिंग पर जल अर्पित करके करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह अनेक अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं, कार्य पूर्णति की ओर अग्रसर होगा। आर्थिक कार्यों की बाधाएं दूर होती नजर आ रही है। धन की तंगी दूर होने से कोई काम बनता नजर आ रहा है। परिवार मित्रों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से पहले में सुधार आएगा। पुराने खर्च कम होंगे किंतु पारिवारिक आवश्यकताओं पर खर्च होगा। नौकरी पेशा को थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग कार्य विस्तार करेंगे। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत इलायची खाकर करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि, आपका मन इस सप्ताह प्रसन्न रहेगा। धार्मिक आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा। समय शुभ है, इसलिए कार्य पूरे करने में जुट जाएं, अवश्य पूरे होंगे। संबंधी वाहन सुख की कमी दूर होगी। खर्च अधिक होगा किंतु शुभ कार्यों में ही होगा। नौकरी पेशा लोगों को नई नौकरी के ऑफर आ सकते हैं। विद्यार्थियों और यंग प्रोफेशनल्स को नए ऑफर मिल सकते हैं। धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत ठीक रहेगी। आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्रदेव को दूध मिश्रित जल अर्पित करके करें। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, इस सप्ताह परिवार और मित्रों से अच्छा तालमेल बना रहेगा। मन मिटाव दूर होते दिख रहे हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। पुराने रोगों में कमी आएगी। नौकरी में बदलाव के साथ उन्नति के अवसर आएंगे। व्यापार में लाभ होगा। पारिवारिक कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के अवसर संपन्न होंगे। प्रेम संबंध में टकराव हो सकता है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग भूरा रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि, आपका यह सप्ताह अच्छा बीतने वाला है किंतु थोड़ी भागदौड़ रह सकती है। आपको अंततः लाभ की स्थिति ही रहेगी। शारीरिक मानसिक रूप से थकान का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि अटके हुए कामों को गति देने का प्रयास करें तो सफल भी हो सकते हैं। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होते चले जाएंगे। नए कार्य शुरू करने का सही अवसर है। भूमि भवन संपत्ति वाहन सुख की प्राप्ति होती रहेगी। अविवाहितों के विवाह की बात नहीं बन पाएगी तो आप चिंतित ना हो, वह भी कार्य आपका बन जाएगा। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत पीपल के वृक्ष में काले तिल और जल अर्पित करके करें। अब बारी आती है अंतिम राशि मीन की। मीन राशि, सप्ताह शुभ है। पारिवारिक सामंजस्य अच्छा बने रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने में परेशानी आ सकती है। कुछ नए अवसर मिलने वाले हैं। धन कमाने के लिए आजीविका के नए साधनों में निवेश करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शेयर या बीमा में निवेश से लाभ कमाएंगे। माता पिता के सहयोग से बड़े कार्य पूर्ण करने में सफल होंगे। विवाह के योग बनते नजर आ रहे हैं। यात्राएं हो सकती है। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग काला रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत पूर्वजों को याद करके नमन करके करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारे खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एशिया न्यूज पर हर हफ्ते बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।